देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं फरजाना, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। महिलाओं के साथ गैंग रेप, छेड़छाड़, दुष्कर्म की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस पर बोली तो उठती है लेकिन सख्त कानून नहीं बनते, जिसके कारण महिलाएं कभी बाहर के दरिंदों का शिकार होती है तो कभी घर में छिपे दरिंदों का शिकार होती है, और कभी कभी तो पुलिस भी अपने वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हुए महिलाओं के साथ अभद्रता व्यवहार करते हैं, जिसका एक उदाहरण दिनेशपुर में देखने को मिला, जहां रक्षक ही भक्षक बन बैठा और महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। देखिए रिपोर्ट। जहां पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वहीं पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है। जी हां, गदरपुर क्षेत्र के जयनगर गांव की कई महिलाएं ग्रामीणों के संग दिनेशपुर थाने पहुंचकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक महिला अपने घर में सोई हुई थी, तभी पुलिस की टीम ने भीतर घुसकर ना सिर्फ महिला की ओढ़नी खींची बल्कि हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर लाया गया। जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो पुलिस टीम लौट गई। जब मामला बढ़ गया तो जयनगर गांव की महिलाएं ग्रामीणों के संग मिलकर आरोपी दरोगा और पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर जमकर नारेबाजी की, जिसे लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अंदर घुसने का काम, ऐसे हल्ला मत करो, न्याय होगा, चिंता मत करो। ऐसो दिनेश फरतियाल ने बीच बचाव की कोशिश की तो उनके साथ भी ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक हुई। बाद में ऐसो ने ग्रामीणों से दरोगा के खिलाफ लिखित शिकायत लेकर मामले की जांच का भरोसा दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए। आपको बताते चले कि गदरपुर के जयनगर गांव के ही कुछ लोगों में पानी की निकासी को लेकर विवाद चल रहा है। इस मामले में एक पक्ष की ओर से शनिवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद दिनेशपुर पुलिस ने एक दरोगा पुलिस कर्मियों को साथ लेकर मामले की जांच करने के लिए आए थे। दरअसल मामला ये था कि पुलिस टीम ने भीतर घुसकर न सिर्फ महिला की ओढ़नी खींची बल्कि हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर लाया, जिसके बाद ग्रामीणों के विरोध के बाद पुलिस टीम लौट गई और सैकड़ों लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से थाने पहुंचकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया। जब मामले को लेकर दिनेशपुर के थाना अध्यक्ष दिनेश फरतियाल से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। थाने में आने का मतलब है कि जो नाली के लिए जगह नहीं दे रहा है, और हमारे घर में पुलिस भेज के और बहू सोई थी, उससे रजाई हटा के कह रहा है कि तुम्हें बहुत गर्मी है, सोई हो यहाँ पे हाथ पकड़ के, तो इसलिए हम लोग गुस्सा में आए, नहीं हम नहीं आते। हमारे बस सलूकी इतनी ज्यादा की है, और ये सब ये राम कैलाश और हरिचंदर प्रदीप कुमार वकील है, वो ज्यादा धोस दिखाता है, उसने ये सब करवाया है। सर वही 70 सालों से रोड और नाले, और यही एक समस्या है। इतनी प्रधानी सब कुछ हो गया है, इतने नेता सब कुछ क्या कहते हैं, 7 बार नारियल फूट चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब कहते हैं रोड पे, अभी पुलिस गई थी कि रोड पे पानी नहीं जाएगा, तो घर का पानी निकल के वो जाएगा कहाँ? मुझे इस चीज का समस्या का बता दे समाधान। ग्राम प्रधान है या जिला पंचायत उपाध्यक्ष या आपका मंत्री भी है, ये लोग कुछ नहीं करेगा? सर करने को तो आप देख ही रहे हैं, मैं बता रहा हूँ 70 साल से, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या किया होगा। मैंने आज डीएम साहब से बात किया था यहाँ पे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं एसडीएम को भेज के राजस्व विभाग की टीम को बुलवा के वहाँ से चाहे जिसकी जमीन निकले चाहे कहीं से भी वो रोड नाली निकलवाएंगे, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि गांव की आज नहीं कल आबादी बढ़ रही है रोज, ये आए दिन समस्या होता रहेगा। लेकिन ये नाली निकलवाने के लिए अगर हमारी ये माता बहने वहाँ डीएम साहब के धरना भी देना पड़े, रात दिन हम वहीं टेंट लगा के बैठेंगे, नाली निकलवा के रहेंगे, कैसी भी हो, चाहे रोड के बीच में से निकलवाऊ चाहे किसी के खेत में से जाए, भूमिधारी जमीन से नहीं जा सकती है, लेकिन जमीन की पैमाइश करवाऊंगा कुछ भी।
देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।